हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया अरुण देकर। आपका प्रयाज फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे एगलेस लॉन्ग बन किस तरह बनाते हैं। वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। 2 टेबलस्पून पानी, 2 टेबलस्पून मिल्क, 1 कप में ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैं कप को माइक्रोवेव में रख कर 10 सेकेंड के लिए गर्म कर रही हूँ दूध और पानी के मिश्रण को। लुकवार्म गर्म कर देना है। आप चाहे तो दूध और पानी को छोटे पतीले में या भगोने में फायर पे रख कर गुनगुना गर्म कर सकते हैं। उसके बाद उसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। उसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून ईस्ट और अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं फर्मेंट होने के लिए। एक बोल लेकर उसके ऊपर छन्नी रखी है, उसमें 1 कप मैदा प्लस मेजर करके और 1 कप मैदा और सेम कप से मेजर करके और 1 कप मैदा, इसी तरह 3 कप मैदा उस छन्नी में डालकर उसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालकर सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लेते हैं। छानने के बाद चम्मच या स्पैचुला की सहायता से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रख देते हैं। दूसरे एक बोल में लेते हैं 1 कप वार्म वाटर, उसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, उसी में ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल प्लस 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून ऐसे 3 टेबलस्पून ऑयल उसमें ऐड कर देने हैं। पानी, ऑयल और बटर तीनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें ऐड करते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले थोड़ा डालकर फिर वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर देना है। इसी तरह फिर से थोड़ा ड्राई इंग्रेडिएंट डालकर मिक्स कर देना है, उससे बैटर में लम्स या गुठलियाँ नहीं रहेंगी। 10 मिनट के बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो ईस्ट हमने रखा था फूलने के लिए अच्छी तरह से फूल गया। उसको अब इस मिश्रण में ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा मिश्रण में ऐड करके मिक्स कर देते हैं। जैसे पहले किया था वैसे मिश्रण में ऐड करते हैं बैचेस में। चम्मच की सहायता से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाथ अच्छी तरह से क्लीन करके आटे को गूंद लेना है 5 से 10 मिनट। यहाँ आप देख रहे हैं आटा बहुत ही सॉफ्ट हुआ है, गूंदते वक्त हाथों को चिपकेगा, इसीलिए थोड़ा ऑयल उसके ऊपर लगाकर आटे को अच्छी तरह से गूंद कर आटे को दूसरे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। आटे के ऊपर सभी जगह से ऑयल लगाकर फूड स्लेप क्लींजिंग रैप बोल के ऊपर इस तरह टाइटली कवर करके आटे को 1 घंटे के लिए फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं। 1 घंटे के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आटा फूल कर डबल हो गया है, अच्छी तरह राइज हुआ है।
आटे को ऐसे पंच करके फिर से 5 मिनट के लिए आटे को गूंद लेते हैं। अगर आपको लगे आटा थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट है तो थोड़ा सूखा आटा उसके ऊपर डालकर फिर एक बार हल्के हाथ से आटे को गूंद के लेना है। रोलिंग बोर्ड पे सूखा आटा इस तरह से स्प्रेड करके उसके ऊपर जो आटे का गोला है उसको रख देना है और उसके 2 समांतर भाग कट कर देने हैं। नाइफ की सहायता से जो एक भाग है उसके 3 इक्वल पोर्शन करके एक एक पोर्शन के ऐसे राउंड गोल बॉल बनाकर साइड में रख देने हैं। दूसरे पोर्शन को जिस तरह पहले पोर्शन के 3 इक्वल पोर्शन किए थे उसी तरह करके गोल राउंड बॉल बनाकर रख देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरे आटे के 6 इक्वल बॉल बना दिए हैं। अब एक बॉल को ऐसे लेकर रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा आटा डालकर अगर ज़रूरत है तो रोल करना है और लॉन्ग बन तैयार करके ट्रे पे रखना है बेक करने के लिए। सेम प्रोसेस से बाकी बॉल्स को रोल करके लॉन्ग बन बनाकर बेकिंग ट्रे पे अरेंज कर देना है। उसके बाद बंस को कवर करके रखते हैं 10 मिनट के लिए। ओवन को प्रीहीट करते हैं 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे। 10 मिनट के बाद कपड़ा निकालकर आप यहाँ देख सकते हैं बन फूल गए हैं। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध उसके ऊपर इस तरह ब्रश के सहायता से लगा देना है। बेक करने से पहले बन के ऊपर रूम टेम्परेचर दूध लगाने से बन का कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। ओवन प्री हीट होने के बाद बन का ट्रे ओवन में रख देना है और बन को बेक करना है 15 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे। 15 मिनट के बाद बन अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अब ओवन से बन का ट्रे निकाल लेते हैं और तुरंत बन के ऊपर बटर लगा देना है। गरम बंस के ऊपर बटर अच्छी तरह से लगाने के बाद गीले कपड़े से बंस को फिर से 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। 10 मिनट के बाद कपड़ा निकाल लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बंस का कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है। यह आपको एक बन को मैं इस तरह प्रेस करके दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं। इस तरह 3 कप मैदे के आटे से 6 एगलेस लॉन्ग बन्स तैयार हो गए हैं। हाँ, मैं एक बन को साइड से कट करके बन के अंदर का आप टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं ये बन अंदर से। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहती हूँ इसी लॉन्ग बन से मैं अगले हफ्ते चिकन सैंडविचेस बनाने वाली हूँ, उसकी वीडियो अगले हफ्ते अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड, आप इस तरह के एगलेस बन पहले बनाकर अगले हफ्ते जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसको देखकर आप घर में सैंडविचेस बनाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।
बाय।